हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। मैं जानता हूँ दोस्तों, आज ही से मैंने शुरू किया है, कुछ वीडियोस बनाई है नीट के ऊपर, जिनके आंसर्स और फाइनल रिजल्ट आ गई थी। तो आपका भी कल से एग्जामिनेशन है, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं जो कि JSSC पंचायत सचिव की तैयारी कर रहे थे और जिनका कल स्किल टेस्ट है, उनको और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, 6 से 9 जून आपको सब कुछ अपना लगा देना है। अब क्या है, 3 बातें, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, बस आपको छोटी सजेशन देना चाहूंगा। खैर, मैं कोई होता नहीं हूँ सजेशन देने वाला, बट फिर भी मुझे जो लगा आपसे बातें करनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से, गौर से सुनिएगा दोस्तों। पहली बात, आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, मैंने कितना पढ़ा है नहीं, प्रैक्टिस किया किया है, आपने जो भी पिछले 2 से 2.5 महीने में किया है वो काफ़ी है। ये बात अपने आप में रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना। कितना बुरा से बुरा आपको नॉलेज हो, आपने 10% भी नहीं सीखा हो, लेकिन ऐसा सोच के जाओ, नहीं मुझे आता है, मैं कर पाऊंगा, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, आपको टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है, अगर लेंदी क्वेश्चन आ जाता है आपका जो एक्सेल है या तो फिर आपका पावर पॉइंट में जो आपको कॉपी करना है, चार्ट वगैरह ग्राफ बनाना, तो ऐसा नहीं करना कि आप लगे बनाने और टाइम देखा नहीं, आपने 25 मिनट हो गए और आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में उलझे रह गए, ना आपने पावर पॉइंट बनाया और ना ईमेल करें। तो ये बात आप ध्यान दें कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके ईमेल करना है, चाहे आधा अधूरा बने आपका एक्सेल पावर, लेकिन ईमेल करना है आपको, ये आपका जरिया बनेगा पास करने का। तीसरा पॉइंट दोस्तों, वहाँ जो आपको रूम में इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे वहाँ के इन्विजिलेटर के द्वारा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ ईमेल भेजना है, प्रिंट निकालना है, कैसे सेव करना है, फोल्डर बनाना है, ये सारी बातें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी। इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना दोस्तों। काफ़ी छोटी बातें आपको लग रही होंगी मेरी, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम सेंटर पे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसका नतीजा आपको काफ़ी बड़ा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो ऐसी कोई भी गलती ना हो जाए आपसे जिससे कि आपको पछताना पड़े। तो यही छोटी सी बातें और सजेशन मेरी तरफ से थी आप सबको, और आप सब सारे दोस्तों को ऑल द बेस्ट फिर से हमारी पूरी कॉम्पिटिशन दुनिया में तमन फैमिली की तरफ से। एग्जाम्स के बाद दोस्तों, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो बिल्कुल से आप हमें बताना कैसे क्वेश्चन आए थे, अदरवाइज आप हमें ईमेल कर सकते हो जिन्होंने सेट लिया है, एज वेल एज आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हम बता सकें। इसी वीडियो के साथ और इसी बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को कर दो तो जल्दी से शेयर अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो करना लाइक और कर देना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग योर ओन चैनल कॉम्पिटिशन दुनिया विद अमन। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।